देखो बच्चों, ये है ड्राइंग रूम यानी बैठक कक्ष। अरे वाह, इसमें तो छोटा सा टीवी और बैठने के लिए छोटी छोटी चेयर्स भी हैं। और ये है बच्चों रसोई घर यानी किचन, जिसमें हम सबकी मम्मा टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं। और ये है बच्चों बाथरूम यानी स्नान घर, जिसमें हम रोज नहाते हैं। अरे वाह, इसमें तो नहाने के लिए एक बड़ा टब भी है, मजा आ गया ये पी। और बच्चों ये है बेडरूम यानी सोने का कमरा, जिसमें हम सोते हैं। अरे वाह, हमारे बेडरूम में एक छोटा सोफा और एक पियानो भी है। बच्चों ऐसे और मजेदार वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। अरे वाह, आज है हमारे पास एक मजेदार डॉल हाउस, ये तो चलो बच्चों इसे जल्दी से खोलते हैं। देखो बच्चों, इस बॉक्स के अंदर एक और छोटा बॉक्स है, तो चलो इसे बाहर निकालते हैं। चलो अब हम सब बोलेंगे खुल जा सिम सिम। बच्चों ये हाउस अभी तैयार नहीं है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिन्हें हमें सही तरीके से जोड़कर इस हाउस को पूरा बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे ये लाल वाला भाग और इसमें हम जोड़ेंगे इस सफेद रंग वाले भाग को कुछ इस तरह। अरे वाह, हमने कर दिखाया। अब हमें इसमें लगाना है ये नीले रंग का भाग और इसे हमें लगाना है यहाँ पर बीच में। बच्चों इसे अच्छे से फिक्स करने के लिए यहाँ साइड पर एक पेच लगाना है, जिसे हम पेचकस की सहायता से अच्छे से कस लेंगे। देखो बच्चों, अब ये अच्छे से फिक्स हो गया। चलो बच्चों, वक्त है अब घर की छत लगाने का, और इसके लिए हमें इस नीले भाग को घर से जोड़ना होगा कुछ इस तरह। ये घर तो बनकर तैयार हो गया। चलो बच्चों, अब इस घर को घुमाकर पीछे से देखते हैं। अरे वाह, ये तो एक आलीशान बंगले जैसा है, बस कमी है तो एक बड़े से दरवाजे की, जिसे हम लगाएंगे यहाँ पर। और ये रहा लाल रंग का बड़ा दरवाजा, जो इस घर पर बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन उससे पहले हम इस दरवाजे पर अपना मनपसंद स्टिकर लगा लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, और ये हो गया फिक्स। और दरवाजे के बाद बारी है अब छोटी लाल खिड़कियों की, जिन्हें हम इस घर में लगाएंगे। अरे वाह, ये तो लाजवाब है। चलो बच्चों, अब गिनते हैं कि इस घर में कुल कितनी खिड़कियां हैं। 1, 2, 3, 4, बाकी खिड़कियां दूसरी साइड है, इसलिए हमें इसे घुमाना होगा। और ये है 5, 6, अब फिर से इसे घुमाते हैं खिड़कियां गिनने के लिए, और ये है नंबर 7, और ये आखिरी वाली 8। इस घर में टोटल 8 खिड़कियां हैं। देखो बच्चों, ये इतना सारा फर्नीचर जो हमें अभी इस घर में लगाना है, जैसे ये लाल रंग का मेज और ये छोटी छोटी हरी कुर्सियां और ये लाल रंग के छोटे सोफे और ये छोटा सा प्यारा सा पियानो और एक अलमारी, जिसमें हम रख सकते हैं ढेर सारे कपड़े। तो बच्चों, क्या आप ये सारा फर्नीचर इस घर में सजाने में मेरी हेल्प करोगे? ओके, तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम सजाएंगे ड्राइंग रूम, और इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे ये लाल मेज और उसके साथ ये हरी कुर्सियाँ। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। अब ड्राइंग रूम में होना चाहिए एक टीवी मनोरंजन के लिए और बैठने के लिए आरामदायक सोफे। हाँ अब ठीक है। बच्चों हमारा बैठक कक्ष तो लाजवाब है। चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं किचन की ओर। और किचन में हम सबसे पहले लगाएंगे एक फ्रिज, जिसमें हम बहुत सारे फल रखेंगे और ठंडा पानी भी। अब रसोई घर में हम लगाएंगे गैस और सिंक, खाना पकाने के लिए और बर्तन धोने के लिए। बच्चों अब है हमारे पास ये वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए, जिसे होना चाहिए बाथरूम में। और अब है हमारे पास शौचालय शौच के लिए और एक बड़ा सा बाथटब नहाने के लिए। छप छप छपा। और अब बारी है बेडरूम की, जिसमें हम लगाएंगे एक छोटा लाल सोफा और एक पियानो गुनगुनाने के लिए, ला 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 ला। और आखिरी में बारी है अलमारी की, जिसे हम लगाएंगे यहाँ बेड के साथ। अरे वाह, एकदम सही। तो देखो बच्चों, हम सब ने मिलकर ये पूरा घर सेट कर दिया। चलो एक बार फिर से चारों कमरों पर नजर डालते हैं। ये है ड्राइंग रूम यानी बैठक कक्ष, जिसमें है टीवी, सोफे, मेज और कुर्सियाँ।
और ये है किचन यानी रसोई घर, जिसमें हमने रखा है एक बड़ा फ्रिज, गैस और सिंक। और ये है बाथरूम यानी स्नान घर, जिसमें है एक वॉशिंग मशीन, शौचालय और नहाने के लिए एक बड़ा सा टब। और अब आखिरी कमरा है बेडरूम यानी सोने का कमरा, जिसमें है एक आरामदायक बेड, सोफा, अलमारी और मनोरंजन के लिए एक पियानो। बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।